बाकी सब इधर। श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ी पर शंकराचार्य मंदिर में शंकराचार्य जयंती मनाई गई, जिसमें दक्षिण भारत के कई धर्म प्रचारकों के अलावा आज बड़ी संख्या में लोग और पुजारी श्रीनगर के शंकराचार्य के पास पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। पूजा में बड़ी संख्या में स्थानीय हिंदुओं ने भी भाग लिया। हमारे सनातन संस्कृति के यो गुरु आदि शंकराचार्य जी का आज के दिन उनका इस धरती पे अवतरण हुआ था, हम उसको दिन के लिए शत शत नमन करते हैं कि जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में उस समय पैदल चल के उस सनातन का प्रचार किया था और जितने भी लोगों थे सबको उन्होंने एक सूत्रधार में पिरोया था। आदि शंकराचार्य जी ने 5 साल की अवस्था में संन्यास लिया था और 11 साल की अवस्था में उन्होंने सारे ग्रंथ लिख डाले थे। आदि शंकराचार्य जी ने उस समय इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर बैठ के तपस्या की है। उस समय क्या हालत होगी आप तो जानते ही हैं, ना तो उस वक्त रोड थी ना कुछ था, तभी वो पैदल आके इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया है और जहाँ पे उन्होंने आदि शंकराचार्य के शिवलिंग की स्थापना भी की है। आज हमें कोई 7-8 हजार के बीच लेके चलिया, 7-8 हजार श्रद्धालु आएगा और हम चाहते हैं कि ये श्रद्धालु बढ़े और कश्मीर के लिए पूरे वर्ल्ड में मैसेज आए, कश्मीर जैसी अच्छी धरती कहीं नहीं है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। हिंदू धर्म बेसिकली एक, जैसे हम समझते हैं किसी धर्म को, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक जीवन पद्धति है, काफी पुरातन काल से ये जीवन पद्धति चली आ रही थी। आज का जो इसका जो रूप है वो आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म केरला में हुआ था 7वीं सदी में, उन्होंने दिया है। आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के एक इम्पोर्टेंट हस्ती रहे हैं। उनके पहले से हिंदू धर्म था, लेकिन उन्होंने आज जो हिंदू धर्म का जो स्वरूप है उस स्वरूप में हिंदू धर्म को बनाया हुआ है। तो उससे चलते इनकी जयंती काफी धूमधाम से यहाँ मनाई जाती है। हिस्ट्री ये कहती है कि आदि शंकराचार्य जी कश्मीर भी आए थे और यहाँ से शारदा पीठ, जो आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है केरन सेक्टर के अपोजिट, वहाँ भी गए थे। वहाँ जाकर के वहाँ उस समय जो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हुई उसमें अलग अलग धर्म के लोग आए थे, उन्होंने भी उसमें शिरकत की और अपने धर्म की जो है पैरवी की जो भी तत्व है उसको बताए। तो कश्मीर और शंकराचार्य इनका काफ़ी अहम रिश्ता रहा है। कश्मीर क्योंकि एक काफ़ी पावन भूमि है, सारस्वत जो एक सेक्ट आता है हिंदू धर्म का, वो उसका ओरिजिन यहीं से है। इवन बहुत सारे जो हमारे म्यूजिक है या संगीत पद्धति है उनका भी उगम यहीं से हुआ है। तो कश्मीर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ काफ़ी लोग जो है साउथ के स्टेट से आए हैं, केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, शंकराचार्य जी की, आदि शंकराचार्य जी की जयंती मनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका जो यहाँ जो स्टे है या जो दर्शन है उसको फैसिलिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे भक्तगण रहते हैं, बिबू कुमार जी उनमें से एक है जो इसमें बहुत मेहनत लेकर के मन से, तन मन धन से इसमें शिरकत करते हुए जो यात्रा है उसको सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है,
नॉर्मली मई 10 तक जो है शुरू होती है, आपको आने वाले 2-4 दिन में जो है ब्लड टॉपिंग शुरू हुई देखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।